क्या आपको क्या लगता है, आप भी तो यहाँ का लोकल नागरिक, क्या सरकार के पास पैसा नहीं है? कई पंजाब डिस्ट्रिक्ट में अब आ गया, तालाब कुतुब जी आ गया है, तो यही से जाके उन लोगों के लिए सोच के हम लोग ने कर रहा है। तो मैं इस वक्त अरुणाचल प्रदेश के चर्चित जगह पंदरदेवा पे मौजूद हूँ। पंदरदेवा आपको याद होगा, पंदरदेवा से होते हुए जो है असम और अरुणाचल की एक बाउंड्री लगती है, कनेक्ट होती है, जिससे लोग वहां से स्थानीय लोग या जो बाहर के लोग हैं एक दूसरे को कनेक्ट करते रहते हैं, आते जाते रहते हैं। लेकिन पिछले 10-15 दिन पहले जो बरसात और काफी लैंडस्लाइड की वजह से रास्ता बिल्कुल खराब हो गया था, तो जिसके बाद में प्रशासन का अभी थोड़ा सा ध्यान गया उधर की तरफ में, और ध्यान गया भी तो कैसा गया आप इसको थोड़ा देख लीजिए। पहले एक बार मैं आपसे कैमरामैन से कहूंगा, आप इसको दिखा दीजिए कि किस प्रकार से यहाँ के जो लोग हैं मिलजुल के काम कर रहे हैं। आप देखिए पैर इनका घुटने तक जो है ना मिट्टी में पूरा घुसा हुआ है, और साथ साथ में इन्होंने जो बंबू होता है रोकने का अपना जो इंतजाम किया हुआ है। हम लोग उधर भी एक बार दिखाएंगे, थोड़ा सा आप उधर भी एक बार दिखा दीजिए कि यहाँ भी इसको कई सिरे से बनाया गया है जो मिट्टी को रोकेगा। लेकिन ये काम अभी हो रहा है, 10-15 दिन से अगर हम लोग बोलेंगे तो 10-15 दिन से ये रास्ता ब्लॉक था पूरी तरीके से। अभी भी ब्लॉक है, एक दूसरे को कनेक्ट नहीं, मतलब कि पैदल के अलावा गाड़ी इधर उधर नहीं जा सकती, और पैदल जाना भी जान जोखिम में है। तो 15 दिन के बाद सरकार का थोड़ा आँख खुला है, तो खुलने के बाद उन्होंने क्या कि बंबू को रोकना, बंबू से मिट्टी को रोकना उचित समझा। अगर मैं आपको बताऊं तो थोड़ा दिखाऊंगा भी, अभी उधर में आप एक देखोगे तो ब्रिज पूरा का पूरा धराशायी हो गया है, सीमेंट से बना हुआ ब्रिज जिसमें लोहे का रॉड बहुत सारा चीजें डाल के बनाया गया वो धराशायी हो गया है। लेकिन हमें उम्मीद है कि इसको ये जो मिट्टी जो है ये उसको रोक लेगा, यानी ये बंबू जो है आने वाली जो बड़ी मिट्टियों को रोक लेगा, क्योंकि सीमेंट में उतनी ताकत नहीं होती जो ताकत बंबू या रस्सी में हो रहा है। तो आप थोड़ा दिखा दीजिएगा, इधर भी दिखा दीजिएगा, हम जो आपको बताना चाह रहे हैं, मेरी पीछे शायद दिखाई पड़ेगा वो ब्रिज जो पूरा पूरा खत्म हो गया है। वो क्या क्वालिटी था, कैसे बना था, हमको तो नहीं पता है। मैं एक बार कैमरामैन से बोलूंगा, आप उसको दिखा दीजिए जो ब्रिज एक बार वो पूरा धराशायी हुआ है, उसको आप दिखा दीजिए कि वो मोटी मोटी दीवारें जो है बड़ा जो ब्रिज का बनाया गया था वो नहीं रोक पाया, ये बंबू रोक लेगा। ये प्रशासन का ऐसा कहना है, हमको तो नहीं आइडिया कि बंबू रोक सकेगा नहीं रोक सकेगा, लेकिन सरकार का भी मानना है या ऑफिसर का मानना है कि इसको रोक सकेगा। मौके पे कोई अभी ऑफिसर यहाँ पे मौजूद नहीं है, ना जेई है, ना एक्शन है, ना कोई आगे डिपार्टमेंट का यहाँ पे नहीं है। ये लोकल लोग जो अपने जो काम कर रहे हैं उनका मानना है कि इसको लगाने से ये रुक जाएगा। हम ज्यादा बातचीत होगा, जो ज्यादा चीजें होगा एक दो लोग यहाँ के हैं उनसे बातचीत करेंगे और पता करेंगे कि ऑफिसर लोग कब आए, आते हैं नहीं आते हैं, विजिट करते हैं नहीं करते हैं, इसके बारे में क्या उनका सोचना है, उस टॉपिक को लेकर हम लोग बातचीत करेंगे। सबसे पहले तो क्वालिटी देख लीजिए कि किस क्वालिटी से काम हुआ है या काम किया गया है। अब उसके बाद में यहाँ से भाई साहब, मैं इनसे बातचीत करूंगा जो पिछले हम लोग बात करेंगे करीब एक महीना से, जून से लोग लगातार अपना सोसाइटी बना के जो अपना फ्री ऑफ कॉस्ट में काम कर रहे थे। अभी हाल फिलहाल में सरकार के ऑफिसर, कथित कुछ ऑफिसर लोग आए और बोलते हैं आप काम करो, उनको मदद करेंगे, लेकिन अभी तक किया नहीं। ये लोग पिछले एक महीना से खुद अपना इकट्ठा कर करके फ्री ऑफ कॉस्ट में जो पब्लिक का हित के लिए काम कर रहे थे, उनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम दादर कामिन है। दादर कामिन जी, सर ये हम देख रहे हैं कि आप ये बंबू लगा लगा के आप लोग इसको मिट्टी का जो कटिंग हो रहा है उसको रोकने का आप काम कर रहे हैं आप लोग, उस पे क्या आपको लगता है कि बंबू सक्सेस हो सकेगा? देखिए ये तो हमारा ऑन टेक्निकल नहीं है, जो ये हम लोग बंबू का जो फाइलिंग किए हैं, जो ये जो हमारा ये अभी डिपार्टमेंटल गाइडेंस से कर रहा है, डिपार्टमेंटल टेक्निकल से कर रहा है। जो पहले जो मैंने हम लोग जो किया था यहाँ का 17 जून को जब ओकरिंग हुआ, उस समय से मतलब हम लोग 3 जुलाई तक हम लोग गाइडेंस किया, यहाँ में हम लोग कमिटी गठन किया है उसका, ये सड़क गिरने का बाद हमारा करसिंसा रिस्ट्रक्शन कमिटी, करसिंसा सिंकिंग जोन रिस्ट्रक्शन कमिटी बोल के हम लोग गठन करके काफी यहाँ में पैसा रुपया अपना से हम लोग इन्वॉल्व करके डाल के 15 डेज तक अच्छा रनिंग कर रहा था। ये जो लाइट व्हीकल बोलो, हैवी व्हीकल बोलो, फुल रनिंग हो रहा था। देन आफ्टर जुलाई का फोर्थ जुलाई को फिर से एक बड़ा भारी रकम से बारिश आके ले जाता ये रास्ता को। देन तो हम लोग देखा जाए तो उसको देखा है तो हम लोग का आउट ऑफ हम लोग का मतलब कैपेसिटी है करने का रास्ता जो, तो देन हम लोग तो उसको देख के हम लोग ये आपका ये गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल को गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को भी मांग किया है सड़क के लिए, और हमारा DC मैडम थे अभी ट्रांसफर हो गया रिसेंटली कई पंजाब डिस्ट्रिक्ट में, अब आ गया तालाब कुतुब जी आ गया है, तो उसको मैडम को भी हम लोग जाके रिप्रेजेंटेशन किया है। देन मैडम जी ने फिर हम लोग को एक ऑर्डर करता है चीफ इंजीनियरिंग PWD को, और सड़क को थोड़ा लुक आफ्टर करके कर दो बोल के
मैडम एक ऑर्डर करता देन मैडम जो मैं थोड़ा रुकूंगा जस्ट हमको, ठीक है मैडम ऑर्डर करता है। अब तक यहाँ में ऑफिसर का विजिट कितनी बार हुआ है? वो लोग आया था 7 तारीख को एक बार विजिट किया था, और ये 4 तारीख को गिरे थे, बड़ी रकम से गिरा वाला जो 4 तारीख को हुआ था। देन ऑफिसर लोग आया 7 तारीख को, तो मैडम ने डीसी कैपिटल मैडम ने 5 तारीख को एक ट्रैफिक एडवाइजरी करता है और ये क्लोजर ऑर्डर एक देता है। देन वो घूमतो भाई होके जाना है बोल के, यहाँ से नहीं जाना है बोल के। देन इसका बाद ऑफिसर लोग आता है डिपार्टमेंटली हाईवे का डिपार्टमेंट लोग आया, सब लोग चीफ भी आया, एसी भी आया 7 तारीख को। ये पीछे जो मेरे थोड़ा रूट दिखाई पड़ रहा है, ये रूट का काम क्या आप लोगों ने किया था या डिपार्टमेंट वाले लोगों ने किया था? हम लोग खुद बनाया था खुद। क्या आपको क्या लगता है, आप भी तो यहाँ का लोकल नागरिक, क्या सरकार के पास पैसा नहीं है कि आप लोग को खुद काम करना पड़ रहा है? क्योंकि इंडिविजुअल क्या होता है कि क्रेडिट लेने की होड़ होती है, अगर आप काम किए। अभी लास्ट में आपने सारा एक को कहावत है ना कि सारी सुई कोई और निकालता है, एक निकाल के वो रानी बन जाता है और कोई वो वाला, तो सेम सिचुएशन हो रहा है। एक महीने से आप फिर बोले 20 दिन से 15 दिन से आप लोग लगातार मेहनत किया, करीब करीब जितना काम था उसको ऑलमोस्ट खत्म कर दिया था। अब लास्ट फेज पे ऑफिसर लोग आता है, आपको डायरेक्शन देता है कैसे करो ऐसा करो, क्रेडिट कोई और ले जाएगा, मेहनत आपका गया, पैसा आपका गया, तो उसके बिहाफ पे आपको क्या लगता नहीं है कि सरकार के पास पैसा नहीं है, या पैसा है वो करना नहीं चाहता, या जो तमाम बड़े बड़े चीफ इंजीनियर सुनने में ऐसा लगता है जैसे कि वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हो गया हो, चीफ इंजीनियर, क्योंकि इंजीनियर में चीफ हो गया ना तो बड़ा हो गया ना, वो लोग हो गया आपका जेई हो गया या एक्सन हो गया, ये तमाम तरह के जो ऑफिसर होते हैं पीडब्ल्यूडी के अलग होते हैं, तो वो लोग कभी यहाँ पे आपको विजिट करते नहीं दिखाई पड़े, या उनके पास पैसा नहीं है कि वो आपको दे देते पैसा? क्योंकि डिपार्टमेंट के पास तो पैसा होता है ना, आपातकालीन स्थिति के लिए पैसा ऑलमोस्ट सबके पास होता है, तो उसके लिए वो आपको दे देते, अपने डिपार्टमेंट का जो मशीन होता है उसको लगा के ठीक करवा देते, इस पे क्या बोलते हैं आप? देखिए हम लोग कमिटी का दौरा, कमिटी का तरफ से हमने बहुत बार कतकताया गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट को भी, देन आफ्टर कंसर्न डिपार्टमेंट को भी, हम लोग बहुत चिल्ला के रो रो के बोला है कि सड़क को बनवा दो, और या हमको, हम लोग आप नहीं सकता तो डायरेक्शन करो, हम लोग बनाएगा, अब ऐसे भी तो बना रही है तो हम लोग को डायरेक्शन करो, अभी आओ तो हम लोग का नॉलेज ये टेक्निकल में नहीं है, बराज बहुत ज़्यादा गिर गया है, क्योंकि हमने बहुत हम लोग कमिटी ने विथ रिटिन रिप्रेजेंटेशन से हम लोग रिक्वेस्ट भी किया है। देन बहुत ऐसे होने का बाद अब हम तो विश्वास है पेमा खांडू सरकार को, विश्वास है हमारा स्टेट गवर्नमेंट को, पेमा खांडू कमिटमेंट वाला है, ये चीफ मिनिस्टर है, यंग एंड एनर्जेटिक है, तो उसको हम विश्वास है, हम काम कर रहे हैं, तो ये जो NH-415 है, तो हमारा ये करसिंचा, ये जो करसिंचा कैपिटल का ये लाइफलाइन है, उन लोगों के लिए सोच के हम लोग ने कर रहा है, तो पेमा खांडू सरकार भी तो देख रहा होगा, सरकार का पास, मैंने पहले चैनल में भी बोला है, सरकार का पास आँख है, सरकार का पास नाक है मुँह है, सरकार का पास कान है, सुनता होगा, देखते होंगे, तो यह मैं हमारा ये करसिंचा बंद था, पहले भी मैंने बोला है कि हमारा ये एक ये अरुणाचल का हिस्सा नहीं है क्या, कैपिटल का हिस्सा नहीं है क्या, ये सड़क तो बनना चाहिए बोल के मैंने बार बार जिक्र किया हूँ, तो उसे बोलते हुए आज हम लोग को ये 8 तारीख को एक वो लोग डायरेक्शन आता है, देन हम लोग अभी उस ये डिपार्टमेंट का डायरेक्शन का दौरा से अभी काम कर रहा है। और मुझे ये बताइए जो पीछे ये गिरा हुआ है, क्योंकि आप यहाँ के लोकल हैं आपको पता होगा, ये कौन से ईयर में बना था जो ये प्रोटेक्शन वाला है, कब बना था ये? नहीं ये तो रिसेंटली बनाया है, यहाँ में हमारा एक IMC का एक प्रोजेक्ट है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोल के ना, तो रिसाइकिलिंग के लिए ये गंदा को यहाँ में ये के लिए यहाँ में एक IMC का ये है प्रोजेक्ट चला, उस प्रोजेक्ट के ऊपर में बहुत बड़ा से कट के रखा, अभी भी मशीनरी है ऊपर में, हमने तो अभी थोड़ा पहले जे साहब आया था वो उन्होंने देखा है कि ऐसे ड्रोन से देखा है तो 4-3-4 मशीन ऊपर में है, तो उसका कटिंग वजह से ये जो प्लाट कंट्रोल गिरा वाला जो उसका कंट्रोल के लिए बनाया था लेकिन वो गिर गया, उस गिरने का वजह से इस तरफ से भी मट्टी जो आ गया दिला वो उस तरफ से भी आ गया, दोनों तरफ से हिट करके सर रास्ता। क्वालिटी काफी खराब दिख रहा है जो मैंने इसका देखा, आपको लगता है क्वालिटी इसका खराब है? देखिए उसमें हम तो किसी को टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन देखने में ऐसे लगता है कि उसमें थोड़ा रिशियो में कोई अच्छा से टेक्निकल रिशियो गाइडेंस नहीं किया होगा, हमारा रिशियो बोलने से सीमेंट का होते हैं RCC में तो आप रिशियो मिला के डालना पड़ेगा, तो टेक्निकली कुछ गाइडेंस फेल हुआ होगा मेरा ख्याल से, देन इसलिए तो ऐसे गिरा है, उसमें हम किसी का बारे में ये वो नहीं बोलेगा, लेकिन गिरा तो जरूर है, उसमें देखने से उसमें टेक्निकली थोड़ा फेलर है। आपका बात सहमत है और हम भी नहीं जाएंगे किसी के बारे में बोलो, क्योंकि हम लोग भी किसी के दुश्मन नहीं है, जो न्याय वाली बात है, जो सच्चाई है, सच्चाई ही बोला जाता है, क्योंकि ठीक है क्वालिटी खराब इस चक्कर में गिर गया और हम भी वही कहेंगे क्वालिटी खराब इसलिए गिर गया। थोड़ा सा सर एक पीछे जो है ब्रिज गिरा हुआ है, आपने देखा होगा, आप भी थोड़ा सा देखा, जो जहां आपने बंबू को लगा रहे हैं आप लोग उसके पीछे का ब्रिज गिरा हुआ है,
आपने देखा ना जो छोटा कनेक्ट कर रहा था पहले में, क्योंकि पहले से तो जो वो बड़ा ब्रिज बन रहा है वो ना बनने से उसी से लोग आता जाता था ना, वो गिर गया, वो खुद गिर गया। तो आपको लग रहा कि जो हम लोग बंबू लगा रहा है ये वो ब्रिज से ज्यादा मजबूत है? तो जय और एक्शन आया था हमको ऐसे ऐसे बनाओ और ये पानी इसे जाने से थोड़ा कंट्रोल होगा, इसे हम लोग बना दे रहा है लोकेलिटी से नॉर्मल। ठीक है, आपका बात सही है। नॉर्मल इसमें क्या होता है जो हम देख रहे हैं मुनन, यहाँ पे वाल भी बनाया जा सकता था एक मोटा, जैसे क्या होता है आप लोग देखते होंगे नदी, तो आप देखते होंगे ना नदी में क्या होता है, जो ब्रिज बनाया जाता है तो ब्रिज के क्या होते हैं बड़े बड़े जो पोल होते हैं ना, जो खंबा उसका पिलर डाला जाता है, वो पिलर तो बहती पानी में जो बह रहा होता है उसके दौरान बनाया जाता है ना। तो यहाँ पे भी हो सकता है कि पोल बनाया जा सकता होगा या मोटी दीवारें बनाई जा सकती होंगी जो जो मिट्टी गिर रहा है उसको रोक सके, क्योंकि हमें नहीं लग रहा बंबू जो है, जो मेरा अपना खुद का सोचना है उसके अकॉर्डिंग, आप कितना भी 6 फुट 10 फुट भी आप उसको जमीन के अंदर कर देने से क्या होगा कि मिट्टी का प्रेशर आएगा तो ऑटोमेटिक वो ऐसे गिर ही जाएगा। वो थोड़ा मोड़ा मिट्टी जो होता है थोड़ा थोड़ा कटान हो रहा उसको तो भले रोक सकता है लेकिन ज्यादा तो नहीं रोक सकेगा। सर आपको क्या लग रहा है रोक पाएगा वो? हाँ ये एक्चुअली बोलने में ये हम लोग का जो अभी ये हम लोग जितना भी है माने परमानेंट के लिए नहीं बना रहा है, जिसकी अभी ओनली हम लोग टेम्परेरी के लिए जो अभी उधर से जो डायरेक्शन किया हम लोग को टेम्परेरी के लिए आप लोग करवा लो ना, तो अभी एग्जैक्टली हम लोग टेम्परेरी करवा रहा है। जो आपका परमानेंट तो आपका अलग पेज होगा शायद, वो लोग का दिमाग में चलता होगा शायद। तो अभी तुम मेनली चीज माने वहाँ में जो वाल बनाना क्या करना पूल बनाना ये नेक्स्ट पेज का होगा शायद। हम लोग को तो डायरेक्शन किया है कि माने जो ये अभी जो जैसे कि स्कूल से आना जाना जो बच्चा लोग के लिए बहुत तकलीफ हो रहा है उसका, यहाँ से जो टेम्पो जाने वाला लोग पैदल जो अभी ये ब्रिज बना रहा है उसका तो अभी होगा नहीं शायद, कम से कम 2-3 महीना तो लगेगा उसके लिए, तो बच्चा को तो यह जरूरी है जाने के लिए। तो इस कारण हम लोग उसको माने या 4 चक्का जो है जा सके, तो यहाँ से मिट्टी जाएगा वहाँ में कंट्रोल माने थोड़ा तो कंट्रोल मिलेगा शायद इस कारण से। तो वहाँ में वाल बनाएगा तो बहुत प्रोजेक्ट चलाना पड़ेगा, बहुत अमाउंट देना पड़ेगा, उसी तक ये कारण हम लोग उसको ये नहीं किया है कि वो हम लोग को ये थोड़ा प्रोटेक्शन के लिए हम लोग को दिया गया है। अमाउंट तो होता रहता है, अमाउंट का तो क्या बोलेंगे, सरकार के पास पैसे का कमी नहीं होता है, वो तो जस्ट उस चीज को लेके होता है। ये जो पीछे आपने रोड बनाया जैसे आप लोग बता रहे थे 1 महीना के आसपास काम किया, तो अभी तो ऑफिसर आपका 7 तारीख को आया था पहली बार तो ना, 7 तारीख को आया फिर आज भी बनाया हुआ था, तो जो आप लोग ये रिंग वगैरह डाला या इसको जो कटिंग किया तो उसमें कुछ डीजल पेट्रोल जेसीबी, क्योंकि आपका तो जेसीबी नहीं होगा रेंट से ही लिया होगा, तो उन सब चीज का जो खर्चा हुआ क्या उसका देने को बोला कि वो भी इस चीज को पे करेगा वो? देखिए ये जो हम लोग रिंग लिया है बहुत ज्यादा रिंग लिया, आधा रिंग को तो इधर डाला था ले गया है, उसको दिखाई भी नहीं दिया ले गया, लेकिन लोगों को नॉलेज है लोग में आने जाने वाला बहुत 15 दिन तक यहाँ में रनिंग हुआ, सबको नॉलेज है कि हाँ रिंग डाला था उस जगह में। नहीं, तो नहीं वो मैटर उसका नहीं, यहाँ मैटर ये हो रहा है ना कि रिंग डाला आपने ठीक है, क्योंकि आपके पास तो सरकार से ज्यादा तो पैसा नहीं होगा जी। आपके पास तो सरकार से तो कमी होगा ना, डिपार्टमेंट से भी कमी होगा या जो टेंडर लिया होगा उससे भी कमी होगा आपके पास में, तो रिंग में आपका 1 लाख 2 लाख 5 लाख 10 लाख कुछ तो खर्चा किया होगा, इतना पैसा लगा दिया। तो ऑफिसर जो आया था क्या उसने इसको बोला कि आपका पैसा मिलेगा नहीं मिलेगा? देखिए थोड़ा पहले भी मैंने बताया है ये सब रास्ता को हम डिपार्टमेंट को रोकते रोकते हमने खुद कमिटी गठन करके हमारा या कम्यूटर्स के लिए डेली कम्यूटर्स के लिए मैंने बनाया, उसको देखा उसको डिपार्टमेंट देना चाहिए और वो देना चाहिए, वो नहीं देने का सवाल ही नहीं है, देने के लिए हम लोग तो विश्वास है देगा और देना चाहिए ये विश्वास है हमको। ये पहले जो ये आपका 4 तारीख का बरसात हुआ था उसके पहले जो आप लोग बना रहा था तो क्या ऑफिसर लोग विजिट करता था यहाँ पे देखने के लिए कभी, JEE, AE, XN इंजीनियर चीफ इंजीनियर या कोई मंत्री विधायक कभी आपको दिखाई पड़ा था? नहीं 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 कोई नहीं आया उसमें, कोई नहीं आया। हाँ लेकिन मैंने बताया डीसी मैडम आया और चीफ एक बार आया था बोला देख के, देन उसमें कोई लेदर कोई डिपार्टमेंटल से ऐसे करके और देखे मतलब हम लोग को जो जब हर मीडिया चैनल में हमने कहा कि ये रास्ता ऐसा हो रहा है बोलते शुरू से मैंने रिपोर्ट दिया है, तो कोई आके गाइडेंस करके चलो आप लोग कर रहे हैं तो ऐसे करो बोल के कोई नहीं बोला। तब ये से जब से हम ये डीसी को जाके रिप्रेजेंटेशन देता है और हमारा PWD मिनिस्टर एडवाइजर टू PWD मिनिस्टर हमारा फुटपा शेरिंग जी को मैं लेटर देता है, पेमा कांदू को लेटर करता है। फुटपा शेरिंग कभी यहाँ पे दिखाई पड़े आपको? नहीं नहीं फुटपा शेरिंग जी कैपिटल में बहुत घुमा है लेकिन यहाँ नहीं आया है। ठीक है कैपिटल का घूमना तो क्या है कि कैपिटल में तो MLA का क्वार्टर ही होता है वहाँ तो घूमेगा घूमेगा, बट वो क्या है कि PWD उसके एडवाइजर है वो, तो अमन क्या अभी हमने कुछ दिन पहले उनको देखा था आपका पापू नाला साइड में भी घूम रहे थे,
ये जो आपका रोड है ना, ये असम और अरुणाचल दो बाउंड्री को कनेक्ट कर रहा है, मतलब दो स्टेट को कनेक्ट कर रहा है। और ये इम्पोर्टेंट है, जैसे आपने कहा टेम्पू आता है, टेम्पू के साथ साथ यहाँ पे बड़ी बड़ी जो माल गाड़ी या भाड़ा गाड़ी भी आती है, सामान वान सब्जी उब्जी लेके या जो भी चावल बहुत सारा चीजें कनेक्ट करता रहता है ना, एक दूसरे स्टेट को कनेक्ट करता रहता है, यहाँ से कुछ जाता है कुछ वहां से आता है। तो उसके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट रोड था। तो एक बार मुझे जो मेरा अपना मानना है कि एडवाइजर साहब को यहाँ पे भी तो आना चाहिए था। ये देखिए, ये आना था, ये हम लोग भी आना चाहिए, हम लोग वेटिंग भी किया हूँ, विश्वास भी था कि फुरपा सिरिंग सर एक बार यहाँ में विजिट करेगा, क्योंकि वो विजिट में ही लग रहा ना, इसलिए हम लोग भी सोचा था कि यहाँ में आएगा, लेकिन आया नहीं है। और ये इसलिए क्यों नहीं आया है, वो तो आओ नहीं बोलने से भी आना चाहिए। मैंने थोड़ा पहले बोला ये एक लाइफ लाइन है, उसका रीजन है। इसमें क्या होता है कि जो नेता लोग होता है, ऑफिसर लोग होता है, उनके आव भगत के लिए, मतलब कि वेलकम के लिए, खातिरदारी के लिए कुछ अच्छे अच्छे चीजें होनी चाहिए ना। बढ़िया रोड होना चाहिए, एसी वाला यहाँ ऑफिस होना चाहिए था, एक आपको दिल्ली से कम 40-50,000 का ऑफिस वाला चेयर होना चाहिए था, क्योंकि ऑफिसर है ना, जीत के आए हैं ना, वो तो एडवाइजर है ना, तो यहाँ में कैसे खड़े हो जाएंगे रोड पे। ये तो आपका काम है, हम लोग का काम है कि मिट्टी में दौड़ना, वो काम करना, वो तो एक जनप्रतिनिधि हो गए ना, ऑफिसर तो एक बड़ा ऑफिसर हो गया ना, वो मिट्टी में कैसे दौड़ेगा, ये चीज भी तो हो सकता है ना, पैर में मिट्टी भी तो लग सकता है उसको ना। देखिए सरकार हमको नहीं बनाता, हम सरकार बनाता है, हम मंत्री बनाता है, मंत्री हमको नहीं बनाता है, हम पब्लिक आम जनता मंत्री को बनाता है। क्यों बनाता है, उसी तकलीफ को देखने के लिए बनाता है। तो हमको भी हम लोग को सोचता है कि वो आना चाहिए, ये गंदगी हो या में कीचड़ हो, बरसात हो, आना चाहिए। हम बनाता है, हमको नहीं बनाता है, हम पब्लिक लोग बनाता है, तो क्यों बनाता है, उसके लिए तो देखभाल करने के लिए तो बनाता है, तो वो तो आना चाहिए, नहीं आया तो उसका क्या तकलीफ है, कैसे हो तो आप नहीं बोल सकता। ठीक है, अच्छी बात है, कम से कम भाई सब सही बोल रहे हैं। चलो ठीक है, एक नेता का अलग हो जाता है। यहाँ पे जो पीडब्ल्यूडी के ऑफिसर लोग हैं, जैसे अभी आप काम कर रहे हैं, तो उनको तो डेली विजिट करना होता है ना, और आप जब 17 जून से आप उसको बना रहे थे, तो ये सरकारी रोड है ना, इसमें दिन भर में तमाम डिपार्टमेंट के लोग, डिपार्टमेंट की गाड़ियां आती जाती रही होंगी, और जेई का या एई एक्सेल इनका काम ही यही होता है। इनको तो हम ऑफिस को बैठने के लिए तो इनको नौकरी नहीं दिया सरकार ने ना, आपका टैक्स का पैसा जो आप सामान परचेज कर रहे हैं, जो उसमें टैक्स होता है, आप देखते होंगे टैक्स का पैसा, उसी से तो सैलरी मिलती है ना, वो उनको ऑफिस में बैठने के लिए तो नहीं दे रहे हैं आप लोग, कि ऑफिस में बैठने के लिए उनको आप टैक्स का पैसा दे रहे हैं। उनका तो काम है रोड पे घूमने का ना, उनसे तो बड़ा आप है ना, उनको तो हम लोग पैसा दे रहा है ना, वो तो हमसे पैसा हमको दे नहीं रहे, तो वो नहीं आ रहे। 17 दिन आपने काम कर दिया, 17-18 दिन एग्जाम्पल रूप में हो सकता है, आपने 17 दिन में रोड ही खत्म कर दिया होता तो ये भी तो हो सकता है ना, बड़े कुछ अलग तरीके से रोड का मिट्टी खत्म कर दिया, कुछ उससे बड़ा हादसा भी हो सकता था। 17-18 दिन आप काम करो, डिपार्टमेंट को पता ही नहीं चल रहा है, ये भी तो सोचने वाला बात है। जबकि आप सोशल मीडिया पे भी, इवन इनका वीडियो हमको भी मिला था, सर का वीडियो हमको भी मिला था, हम लोग का चैनल को भी टैग किया था, तो हम लोग को तो खबर हो गया, उनको खबर नहीं हुआ, तो उस पे क्या बोलेंगे। देखिए खबर तो जरूर हुआ होगा, मैंने विश्वास है, सब दुनिया देखा है। तो आप दिल्ली से, आप शुक्ला जी आप दिल्ली से आए हैं, क्यों आप तो देख के तो आया होगा ना, ये तो सामने में रोज देखता है, चिल्लाने से सुनाई देने वाला जगह है। तो उसका जो कारण, थोड़ा तुतु मेमे का कारण नाम थोड़ा सा हम दो शब्द में बताएंगे, या मैं थोड़ा सा कंफ्यूजन ऐसा है, हाईवे वाला को भी कम्प्लीटली मैंने उसको ब्लेम नहीं दे सकता हूँ। उसमें दो ये है, हमारा थोड़ा पहले मैंने जिक्र किया हूँ, या मैं ये सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट काम करके IMC ने, ईटानगर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने करके, तो वो हाईवे ने बोला आपका वजह से ये सड़क गिरा है, तो लेटर भी तो कंप्लेन किया IMC को। देन IMC ने बोला हम क्या, मेरा डेवलपमेंट नहीं है क्या, तो हमारा डेवलपमेंट भी तो उधर उसी बात से लेके डिपार्टमेंट का हो गया। क्या है कि देखो IMC को भी पैसा सरकार का ही एक पार्ट है, और PWD भी सरकार का ही पार्ट है। सबसे बड़ा आपको पता है ये स्मार्ट सिटी का पार्ट है, ईटानगर जो है स्मार्ट सिटी में आ रहा है, इसके लिए करीब 7-8 हजार के आसपास करोड़ पैसा, 7-8 करोड़ पैसा मिला है इसको डेवलप करने के लिए। तो आपका पैसा यहाँ दिख रहा है कि कितना डेवलप है, और हम लोग का पैसा भी यहाँ दिख रहा है कि कितना डेवलप है, या तमाम जो ऑफिसर उनको भी पता चल रहा है कि पैसा कहाँ जा रहा है। एक महीना के आसपास होने वाला है, क्योंकि आज 14 तारीख हो गया है, 17 जून से यहाँ पे काम चल रहा है, 17 जून से लोग काम कर रहे हैं, अभी लास्ट करीब 6-7 दिन से जो यहाँ पे ऑफिसर लोग आते हैं, इन लोग को डायरेक्शन देते हैं कि आप लोग जो काम करो इस तरीके से करो, उसके पहले डायरेक्शन ना कोई डायरेक्शन होता है, ना ही देखने आते हैं, ना इनसे हालचाल पूछने आते हैं कि आप जिंदा हैं नहीं है, मिट्टी का आप कटिंग करते टाइम कहीं ऐसा तो नहीं कि आपका कोई मजदूर नीचे गिर गया हो, आपका कोई साथी नीचे गिर गया हो, ये सब कोई पूछताछ नहीं अभी, क्योंकि उनको ऑलमोस्ट पता है ना कि क्रेडिट लेने का नंबर आने वाला है ना। अब कुछ दिन बाद हो सकता है पे एडवाइजर भी दौड़ जाएंगे, चीफ इंजीनियर तो आएंगे, DC एडवाइजर पे जितने ऑफिसर है सब लोग यहाँ पे दौड़ के आएंगे और उसका क्रेडिट लेंगे, फोटोबाजी भी होगा कि रोड को ब्लॉकेज को उन लोगों ने खत्म कर दिया। करसिंसा से आकाश शुक्ला की रिपोर्ट।